और इस बीच हमारे साथ रायपुर से अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अहम खबर कौन सी रहने वाली है। स्वामी, जिस तरीके से इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो ईडी द्वारा सम्मान दिया गया है उसके लिए समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ इस समय कांग्रेस हाईकमान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो एक एक मंत्री, एक एक विधायक इस समय दिल्ली में डटा हुआ है। आज यहाँ से जो गृह मंत्री है ताम्रध्वज साहू वह भी दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को संभावित तिथि है सोनिया गांधी की ईडी के में पेशी की। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन कांग्रेस का दिल्ली में देखने मिल सकता है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक रणनीति बनाई गई है जो सत्याग्रह की तरह, सत्याग्रह की राह पर पूरी तरह कांग्रेस चलती नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ईडी और जैसी जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करते हुए यहां पर राजनीतिकरण कर रही है, और जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ लगातार 5 दिन तक पूछताछ ईडी द्वारा की गई, वहीं अब सोनिया गांधी की बारी है। तो सोनिया गांधी के हाईकमान जो है कांग्रेस की, तो उनके लिए पूरी तरह से कांग्रेस देश के कोने कोने से, हर राज्य से कांग्रेसी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे, क्योंकि 23 तारीख को अगर सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी तो बाहर वहां पर एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन देखने मिलेगा। तो उसमें छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से अव्वल नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से हाई कमान को बचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कि यहां पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग रायपुरियंस देखेंगे, कि यहाँ पर जो बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम है वहां पर अगस्त माह में प्रोफेशनल बॉक्सिंग की एक आयोजन होना है, एक इवेंट होना है, जिसमें प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, उन्होंने इवेंट के लिए एक वो भी आयोजन के लिए एक आमंत्रण भी दिया था, इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति देते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ में इवेंट करने की सहमति दे दी, और इसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल मुक्केबाजी पहली बार छत्तीसगढ़ में होगी, जिसमें एक नई पारी खेलते विजेंद्र सिंह नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मुक्केबाज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अगस्त माह में पहुंचेंगे। वहीं कोरोना की बात करूं तो कोरोना के 88 प्रकरण एक साथ मिले हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा छत्तीसगढ़ जो है कोरोना से संक्रमित नजर आ रहा है, उसकी चपेट में नजर आ रहा है। अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो एक साथ 31 केस यहां पर मिले हैं, जिसने राजधानी में अब चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। दुर्ग में 12 केसेस आए हैं, वहीं कई जिले संक्रमण की चपेट में नजर आ रहे हैं। वहीं जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एनडीए द्वारा जो प्रत्याशी बनाया गया उसको लेकर भाजपा नेताओं ने, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं में ने, जिसमें विष्णुदेव साय जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत पूरी भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।